شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم दीनी भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की सीरीज़ में हम आज की इस नशिस्त में जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं मौजू है शब कद्र की फ़जीलत अल्लाह तबारक ताला ने क़ुरान करीम की क़द्र की आयत नंबर तीन में इरशाद फरमाया लैलतुल लई लतद्र खरुमिनफर शब कदर एक हज़ार महीनों से बेहतर है यानी शब कद्र की इबादत इंसान के लिए एक हज़ार महीनों से बेहतर है और एक हज़ार महीना आप इसको अगर काउंट करें तो तिरासी साल चार महीने के बराबर होता है एट्टी थियर थ्री ईयर फोर मंथ तिरासी साल चार महीने आप अंदाज लगाइए कि एक इंसान की मिनिमम उम्र साठ से सत्तर साल होती है कम लोग होते हैं जो इससे आगे बढ़ते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि एक इंसान अगर पंद्रह साल की उम्र में बालग हो जाता है उसको साठ या सत्तर साल उम्र हुई इतने में उसको यानी तकरीबन पचपन बार उसे रमजान का महीना मिला और रमजान के महीने में उसे शब क़द्र मिल गई कितनी सारी नेकियां उसको मिल जाएंगी कि जिनका वो शुमार नहीं कर सकता है ये अल्लाह का फदल है अल्लाह का एहसान है और अल्लाह का ख़ास उमत मोहम्मद या के लिए है कि शब कदर की इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है और इसीलिए नबी करीम सल्हलम की हदीस जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबोसोम बाब नंबर छः हदीस नंबर वन नाइन ज़ीरो वन में जिक्र किया है रवि हदीस अब हर्रजील्ला त अल्लाह के रसूल सरमाया मन का शबाफे कि जो इंसान ईमान की हालत में अल्लाह से अजर शवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में क़याम करता है शब कद्र में नफली नमाज़ों का अहतमाम करता है अल्लाह ताला के सामने रुको सजदा करता है रोता है गिड़गिड़ाता है नवाफिल का अहतम करता है तकदमिन भी तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं अल्लाह ताला उसे परवाने मकफरत दे देता है इंसान होने की बुनियाद पर बशरी तकादे की बुनियाद पर जो इंसान से सगैर छोटे गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम छोटे गुनाह ये अल्लाह के हुक्म से बख्श दिए जाते हैं ये एजाज़ है ये इनाम है अल्लाह की तरफ़ से जो उस इंसान को मिलता है जो शब कद्र में क़याम करता है नफली नमाजों का अहतमाम करता है अल्लाह ताली के सामने सरब होता है अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को टेक देता है रोता है गिड़गिड़ाता है अल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है तो उसे ये इनाम मिलता है इसलिए मेरे दीनी भाइयों आज रमजान की सोलह तारीख है आगे मुस्तकबिल करीब में चंद दिनों के बाद रमजान के अीर अशरे शुरू होने वाले हैं उन्हीं अखीर अशरों में ये ताक रातों में एक रात शब कद्र की भी है आपको चाहिए कि आप अभी से अपना जहन बना लें दिलो दिमाग को इस लायक बना लें कि आप रमज़ान के अख़ीर अशरे में शब कदर को तलाश करने की कोशिश करेंगे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेंगे और शब कदर की जो फजीलत है उस फजीलत से बहरावर होने की आप कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हम सब को इसकी तोफ़ी अदा फरमाए व व अला महमद व वह व सल्लम كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاونديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں